महापुरुष के विचारधारा चरण को वंदन करते हुए मंच पे सब मान्यवर हर सब स्टेज से आए हुए मिले कामगार कर्मचारी भाई और बहनों, ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से पूरे देश में जो संगठित और असंगठित कामगार का ये संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पे चलने वाले संगठन हमको मजबूत बनाना है। हम असंगठित कामगार के साथ संगठित अगर हम मिलके अगर राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो हमारे माध्यम से हम इस सरकार को हिला सकते हैं कि आज तक ये देश में जो भी क्रांति हुई, जो सामाजिक क्रांति हो या राष्ट्रीय क्रांति हो, वो कामगारों ने किए कि कामगार सबसे ज्यादा मतदान होते हैं और वो मतदान जिस संगठन के साथ काम करते हैं वो संगठन अपने अपने विभाग से अपने मतदार संघ से किसे एमपी किसे एमएलए चुनने का वो तय करते हैं। इसलिए मैं सब अपने भाइयों को विनती करता हूँ कि अपने भाई हमारे समाज के जो महाराष्ट्र के एसटी एससी ओबीसी लोग हैं, जो हमारे कामगार कर्मचारी होते हुए भी बाबा साहब के ट्रेड यूनियन में काम नहीं करते हुए इंटर कायडक सीटों के साथ जुड़े हुए, उसको पहला बाहर निकालो। अगर आज आरक्षण प्रमोशन का जो बात चल रही है, इस समस्या के ऊपर खाली इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन लड़ रही है, हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इंटर कायडक सीटों ये जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन लोग क्या कर रही है, तो उसके साथ हमारे जो लोग जुड़े हैं वो हर साल में 450 करोड़ रुपए उसको जमा करके देते हैं। अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो पूरे देश में एक ही संगठन रहेगी और वो है इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन। पाटिल साहब के माध्यम से पूरे देश में सब क्षेत्र के संगठित और असंगठित कामगार इंडिपेंडेंट लेबर के मेंबर होना चाहिए।